गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू किड्स आर अस। बच्चों, सीनियर के जी की क्लास में आज हम कर्सिव स्मॉल लेटर्स पढ़ेंगे। तो कर्सिव स्मॉल लेटर में आज हम टी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम टी को ट्रेस करेंगे, फिर लिखना सीखेंगे। तो टी फोर क्या होता है? टी फोर होता है ट्री। तो पहले हम क्या करेंगे? टी को ट्रेस करेंगे और फिर लिखेंगे। तो ये हमारा है पेज नंबर 6, ठीक है बच्चों। तो मैं सिखाऊंगी आपको कैसे ट्रेस करना है और फिर लिखना है। तो बच्चों, कर्सिव स्मॉल लेटर में हमारा पेज नंबर 6 है, उसमें हमें सीखना है टी फॉर ट्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ट्रेस करना है बच्चों, ठीक है। तो मैं सिखाऊंगी उसी तरह आपको ट्रेस करना है। तो जो थर्ड नंबर की ब्लू लाइन है, वहाँ से हमें फर्स्ट नंबर की रेड लाइन तक ट्रेस करते हुए जाना है। देखिए, इसे स्लांट लाइन बनाते हुए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या करना है हमें? थर्ड नंबर की लाइन से फर्स्ट नंबर की रेड लाइन तक ऐसे स्लांट लाइन बनानी है। उसके बाद क्या करेंगे हम? थर्ड नंबर की लाइन से फर्स्ट नंबर की लाइन तक स्लांट लाइन बनाते हुए गए, वापस उसी लाइन से वापस आना है थर्ड नंबर की लाइन तक। देखिए, उसी लाइन से मैं आई, फिर यहाँ पे जब थर्ड नंबर की लाइन आ रही हो तभी थोड़ी से आगे जाके हमें रुकना है, फिर यहाँ से इसे टर्न कर देना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। देखिए, थर्ड नंबर की लाइन से फर्स्ट नंबर की लाइन तक पहले एक स्लांट लाइन बनानी है। फर्स्ट नंबर की लाइन को टच होते ही उसी लाइन से वापस आना है। फिर जब हम थर्ड नंबर की लाइन तक आए, उससे पहले हमें क्या करना है? एक दूसरा टर्न ले लेना है, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप। देखिए क्या करना है हमें? थर्ड नंबर की लाइन से फर्स्ट नंबर की लाइन तक स्लांट लाइन बनानी है, वापस उसी लाइन से वापस आना है। फिर इस तरह से थर्ड नंबर की लाइन को टच करके कर्व करना है, थर्ड टू फर्स्ट स्लांट लाइन, देन उसी लाइन से कंटिन्यू होते हुए वहाँ पर यहाँ तक आना है। फिर यहाँ से लाइन को अलग करके थर्ड नंबर की लाइन को टच करते हुए इस तरह से कर्व बनाना है बच्चों। ये हो गया हमारा टी। अब मैं आपको पूरा टी करके दिखाती हूँ। थर्ड नंबर की लाइन से फर्स्ट नंबर की लाइन तक स्लांट लाइन बनाई, वापस उसी लाइन से हम कहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, वापस हम आ रहे हैं थर्ड नंबर की लाइन तक। थर्ड नंबर की लाइन को टच करके ऐसे कर्व किया। अभी कर्व करने के बाद क्या करना है? जो हमारी सेकंड नंबर की ब्लू लाइन है, उससे थोड़ा सा ऊपर हमें स्लिपिंग लाइन बना देनी है। ये हो गया हमारा टी। देखिए, थर्ड नंबर की लाइन से हमें फर्स्ट नंबर की लाइन तक जाना है, वहाँ से वापस हमें थर्ड नंबर की लाइन तक आना है। थर्ड नंबर की लाइन को टच करते हुए कर्व किया। उसके बाद जो हमारी सेकेंड नंबर की लाइन है, उससे थोड़े से ऊपर हमें एक स्लिपिंग लाइन बनानी है। ये हो गया हमारा टी ट्रेस। अब हम खुद से टी लिखना सीखेंगे। अब क्या करेंगे? देखिए, थर्ड नंबर की लाइन से कहाँ जाना है? फर्स्ट नंबर की लाइन तक स्लांट लाइन बनाते हुए जाना है इस तरह से। वापस उसी लाइन से हमें वापस आना है। फिर यहाँ तक आने के बाद इस तरह से लाइन को टच करके टर्न कर देना है। अभी जो हमारी सेकंड नंबर की ब्लू लाइन है, उससे थोड़े से ऊपर हमें एक स्लिपिंग लाइन बना देनी है। देखिए बच्चों, थर्ड नंबर की लाइन से फर्स्ट नंबर की लाइन तक स्लांट लाइन बनाई, उसी लाइन से वापस आए। फिर थोड़े से ही जब डिस्टेंस हो थर्ड नंबर की लाइन तक आने के लिए, तो वहाँ से हमें ये लाइन अलग करके फिर थर्ड नंबर की लाइन को टच करते हुए ऐसे कर्व बनाना है, ठीक है। फिर हमारी जो सेकंड नंबर की लाइन है, वहाँ से थोड़े से ऊपर हमें एक स्लिपिंग लाइन बनानी है। देखिए, फिर से एक बार बनाएंगे हम। थर्ड नंबर की लाइन से फर्स्ट नंबर की लाइन तक स्लांट लाइन बनाई, वहाँ से वापस नीचे आए, उसी लाइन को कंटिन्यू करना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इस तरह से दूसरी लाइन निकाल के कर्व कर देना है। और यहाँ पे क्या करना है? सेकंड लाइन के ऊपर स्लिपिंग लाइन बनानी है। देखिए, स्लांट लाइन, वापस आए, इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। पेंसिल को कहीं भी उठाना नहीं है बच्चों। तो हमें क्या करना है? टी फॉर ट्री। तो क्या करेंगे हम उसके लिए? स्लांट लाइन बनाई, फर्स्ट नंबर की लाइन तक गए, वहीं से क्या करना है? वापस आना है, फिर दूसरी लाइन बनानी है, कर्व करना है, फिर स्लिपिंग लाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टी। तो आज हमने क्या सीखा है? टी फॉर ट्री। तो बच्चों, सीनियर के जी की क्लास में आज मैंने आपको कर्सिव स्मॉल में टी फॉर ट्री सीखा है। तो पहले हमने क्या किया? टी को ट्रेस करना सीखा, उसके बाद हमने टी को लिखना सीखा, ठीक है। तो सीनियर केजी की क्लास में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।